लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग वेल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने हाफ ईयरली प्रोडक्ट एम्प्टीज, एंड ये मेरे जनवरी से लेके अभी तक के लाइक जून फर्स्ट वीक तक के ना सारे प्रोडक्ट एम्प्टीज हैं जो मैंने इकट्ठे करे हैं। एंड इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मैं यूज कर करके छोड़ देती हूँ और वो फिर मैं कभी खत्म नहीं कर पाती हूँ। एंड लिटरली व्हेन आई वाज कलेक्टिंग प्रोडक्ट्स फॉर दिस वीडियो, मैंने रियलाइज करा कि इतने प्रोडक्ट्स बचे हुए हैं काफी सारे, बट ऑब्वियसली वो पूरी तरह से एम्प्टी नहीं हुए हैं। तो उनको मैं ऑब्वियसली ईयरली प्रोडक्ट एम्प्टीज में इंक्लूड कर दूंगी। तीन पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगी। नंबर वन, माय एक्सपीरियंस विद द प्रोडक्ट। नंबर टू, विल आई रीपर्चेस दिस फॉर माय सेल्फ। नंबर थ्री, इफ आई वुड रेकमेंड दीज प्रोडक्ट्स टू यू गाइस, यस और नो। सो आई थ्री पॉइंट्स कवर करेंगे फॉर ईच प्रोडक्ट। एंड यस, विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। ऑलराइट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता दूं कि जो भी प्रोडक्ट्स मैं आपको रेकमेंड करूंगी ना, सारे प्रोडक्ट लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप चाहो तो इनको भी अमेजोन से बाय कर सकते हो, क्योंकि अभी अमेजोन का मॉनसून कार्निवल चल रहा है फ्रॉम 7th टू 12th जून, एंड यू विल गेट अप टू 60% ऑफ ऑन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। तो मोस्टली आई हैव बॉडी केयर एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स। ऑब्वियसली यार, मेकअप इतनी जल्दी खत्म नहीं हो पाता है, एंड कंसिडरिंग द फैक्ट दैट आई हैव अ लॉट ऑफ मेकअप, सो एक ही प्रोडक्ट को मैं कंप्लीटली एम्प्टी नहीं कर पाती हूँ। आई डू हिट पैंस ऑन अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैंने ये काम आयुर्वेदा के ना फेशियल मिस्ट पूरे एम्प्टी कर दिए हैं। दो डिफरेंट वेरियंट्स हैं एंड दो डिफरेंट साइजेस हैं। तो दिस इज अ प्योर रोज वाटर एंड दिस इज अ काम आयुर्वेदा प्योर निरोली वाटर। आई genuinely love both the variants. दोनों में से कोई भी variants ले सकते हो आप इस season के लिए। Rose water जो है बहुत ज्यादा soothing है skin पे and refreshing है, plus Neroli water तो बहुत ही ज्यादा refreshing है। Instantly इतना ज्यादा like skin hydrated and refreshed feel करती है ना। Honestly I can't pick one because दोनों ही अपनी अपनी जगह मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। Will I repurchase this? Definitely yes. Will I recommend you guys? 110%, just go for it. Alright, उसके बाद I have a few micellar waters. तो मैंने finally Garnier का micellar water पूरा खत्म कर दिया है। This is a big bottle, okay? This is 400 ml. बहुत ही मस्त micellar water है, मतलब it is a great product under a budget. Makeup को तो remove करता है, plus it just feels really soothing on the skin. I overall really like this micellar water. क्या मैं इसको repurchase करूंगी? अभी तो नहीं, but future में definitely, because अभी मैंने Bioderma के दो bottles लिए हैं recently. So इसलिए अभी के लिए मैं इसको repurchase नहीं करने वाली हूँ, बट मैं आप लोगों को ये डेफिनेटली रेकमेंड करूंगी। नेक्स्ट अप, मैंने फिनिश करा ये बायोडर्मा का माइसेलर वाटर सेंसी बायो H2O। नाउ दिस इज एक्सपेंसिव, ठीक है, 395 400 ml, बट यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट ऑन अमेजोन राइट नाउ। दोनों डिफरेंट हैं एक दूसरे से। ये वाला आई फील अगर आपके ब्रेकआउट्स वगैरह भी हो रहे होते ना बिकॉज ऑफ मेकअप एंड ऑल, आप इससे अच्छे से थॉरली अपने स्किन को क्लेंस करोगे ना, ये कहीं ना कहीं आपके ब्रेकआउट्स भी प्रिवेंट करेगा। एंड एट द सेम टाइम यू कैन यूज इट एज अ टोनर एंड यू कैन ऑल्सो यूज दिस टू जस्ट वाइप ऑफ योर फेस इन जनरल। सो मैं कंपैरिजन नहीं करूंगी, दोनों ही मैसेलर वाटर्स अपनी अपनी जगह डिफरेंट है, लेकिन आजकल मैं ये वाला यूज कर रही हूं, मुझे काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। इफ यू हैव द बजट, गो फॉर दिस वन, बट इफ यू आर लुकिंग एट एन अफोर्डेबल ऑप्शन, गो फॉर दिस वन। तो ये वाला विल आई रीपर्चेज? ऑब्वियसली आई हैव ऑलरेडी रीपर्चेस्ड एंड आई वुड रेकमेंड यू गाइज एज वेल। मूविंग ऑन, वी हैव अ फ्यू हेयर मास्क फ्रॉम बायोलाश। ओके, सो आई हैव द येलो वेरियंट विच इज द डीप ट्रीटमेंट फॉर फ्रिजी हेयर, देन वी हैव द ग्रीन वन विच इज डीप ट्रीटमेंट फॉर ड्राई हेयर। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे दोनों में से येलो वाला ज्यादा बेटर लगा, बिकॉज अगर आपके फ्रिजी हेयर है ना, योर फ्रिजी हेयर इज गोइंग टू लव दिस हेयर मास्क, दिस इज सो गुड। वैसे ग्रीन वाला भी अच्छा है, नो डाउट, अगर आपके ड्राई हेयर हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपके ना बालों को नरिश करने में हेल्प करेगा, बट अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, अगर आपके ड्राई फ्रिजी हेयर है, रफ हेयर है, तो आप येलो वाला लेना इंस्टेड ऑफ द ग्रीन वन। मुझे दोनों में से येलो वाला बेटर लगा। ये वाला मैंने इसलिए फिनिश कर दिया बिकॉज आई वॉज लाइक ठीक है, मतलब इट इज एटलीस्ट नॉट मेकिंग माई हेयर मोर ड्राई। यू नो देर आर सम प्रोडक्ट्स जो कि एकदम ऐसे ऑपोजिट परफॉर्म कर जाते हैं आपके बालों पे, बट आई थिंक इस ग्रीन वाले ने भी अपनी जगह काफी डिसेंटली परफॉर्म किया है। सो आई वुडंट से दैट आई डोंट लाइक इट, आई एक्चुअली लाइक्ड इट, बट इफ आई हैव टू लाइक रीपर्चेज, आई वुड रीपर्चेज द येलो वन एंड आई वुड रेकमेंड यू गाइज द येलो वन। दिस इज सो सो गुड, इट्स जस्ट गोना tame down all the frizziness from your hair and overall aapke baalon ko kafi smooth bana deta hai, shiny bana deta hai. Okay, next up I emptied this Nivea ka naturally good deodorant, roll on deodorant in the bio green tea variant. I started using this I think in the beginning of year and finally maine isko pura like complete kar liya hai and it just smells so good, so refreshing. If you're looking for a roll-on deodorant for summer, definitely go for this one. Nivea ke roll-on deodorant is literally my holy grail product. I can't do without this product because once you apply it na, ek bar laga loge na, pura din aapko wo odor nahi aayegi jo armpits mein se aa jati hai usually, especially in this season. It's so nice, feels so soothing on your armpits.
प्लस इट हैज दैट रियली नाइस फ्रेश ग्रीन टी फ्रेग्रेंस. विल आई रीपर्चेज दिस? डेफिनेटली इन द फ्यूचर, नॉट राइट नाउ, बिकॉज अभी मेरे पास ऑलरेडी इसके दो वेरियंट है जो मैं यूज कर रही हूँ, और मैं आपको तो डेफिनेटली ग्रीन टी वाला वेरियंट रिकमेंड करूंगी ही फॉर द समर सीजन. नेक्स्ट अब मैंने एम्प्टी कर दिया फाइनली ये दो ग्रीन टी सीड सीरम के बॉटल्स. दिस इज 30 ml ईच, एंड ये इनिस्फ्री का ग्रीन टी सीड सीरम इज अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट, नो डाउट. आई लव दिस वन, आई हैव ऑलरेडी रीपर्चेस्ड दिस वन. सो इसको मैं दिन में एक बार लगाती हूँ, या तो मैं रात को लगा लेती हूँ, मैं दिन में लगा लेती हूँ. और मैंने अभी अमेजोन से इसको रीपर्चेज करा है, इस बड़ा वाला बॉटल आई थिंक 80 ml वाला, और जब मैंने रीपर्चेज करा था दैट वॉज एट अ 30% ऑफ फ्लैट, तो मुझे कुछ 1300 के अराउंड पड़ गया था, विच इज ग्रेट इन माई ओपिनियन. इट इज रियली सूदिंग ऑन द स्किन, इट एक्चुअली गिव्स अ ब्यूटीफुल ग्लो एज वेल ऑन द स्किन. प्लस समर के लिए आई फील जो मेरे बम्स निकल आते हैं ना फेस पे, ये काफी ज्यादा हेल्प करता है उनको काम डाउन करने में एंड उनको रिड्यूस करने में. सो दैट इज व्हाई दिस वन प्रोडक्ट इज समथिंग दैट आई हैव बीन यूजिंग रिलीजियसली. एंड ऑब्वियसली यू गाइस नो माय लव फॉर विटामिन सी सीरम. सो फॉर एग्जांपल अगर इसको मैंने दिन में लगा लिया तो मैं विटामिन सी रात को लगा लेती हूँ, और अगर मैंने इसको रात को लगाया तो विटामिन सी मैं दिन में लगा लेती हूँ, तो चलता रहता है मेरा. आई विल डेफिनेटली रेकमेंड यू गाइस टू ट्राई एज वेल इफ योर पॉकेट अलाउज यू. ट्रस्ट मी, दिस इज अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट. आई हैव एम्प्टीड लाइक टू बॉटल्स ऑफ दिस. नेक्स्ट जो मैंने एम्प्टी करी है गाइस वो है मेरा ऑल टाइम फेवरेट एम कफीन का कॉफी बॉडी स्क्रब. आई डोंट नो फ्रॉम वेयर डू आई बिगिन, जस्ट लुक एट दैट. पूरा मैं इसको एम्प्टी कर चुकी हूँ एंड दिस इज अ वेरी 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 नाइस बॉडी स्क्रब. मतलब मैंने इतने बॉडी स्क्रब्स ट्राई करे हैं बट किसी ने भी ना इसके जैसा परफॉर्म नहीं करा है. तो ये प्रोडक्ट एक्चुअली में वर्क करता है, बहुत अच्छे से डीपली एक्सफोलिएट कर देता है आपके बॉडी को. प्लस इसमें काफी अच्छे अच्छे ऐसे यू नो ऑयल्स है, एसेंशियल ऑयल, दैट्स कोकोनट ऑयल विच इज गोना कीप योर स्किन नरिश्ड एट द सेम time. So will I repurchase this? I already have another jar of this in my bathroom right now. जब वो खत्म हो जाएगा ना future में दोबारा इसको मैं repurchase करने ही वाली हूँ. I love it. I'm sure you are going to love it too. I will definitely repurchase this and will definitely recommend you guys as well. Then I have this plum ka body loving body oil in the vanilla vibes variant. Guys, this was my hero product in winter season. मैंने January, February, March तीन महीने इसको लगातार use किया है and इसके बाद मैंने Hawaiian Roomba वाला variant परचेज करा था, वो भी अब इतना रह गया है. ऑब्वियसली जब विंटर दोबारा से स्टार्ट होंगे ना तो मैं दोबारा उसको यूज करना स्टार्ट कर दूंगी, बट अभी इस सीजन में आई वॉन्ट रेकमेंड यू गाइज. बट अगर आप ये वीडियो 6 महीने बाद देख रहे होगे ना, आप प्लीज ये ले लेना, बिकॉज ये बहुत ही सही है. मतलब मैं इसको अपने बाथरूम में ही रखती थी विंटर सीजन में, एंड यू नो बहुत ही सिंपल है. जब आप नहा लोगे ना, टॉवल से अपनी बॉडी को सुखा के, जब हल्की फुल्की लाइक बॉडी जब डैम्प रह जाती ना, तब इसको लगाओ एंड बहुत ब्यूटीफुली अब्सॉर्ब हो जाता है. एंड यू नो पूरा विंटर सीजन मुझे कोई एक अलग सा बॉडी बटर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी अपने बॉडी पे, बिकॉज दिस वॉज इनफ. लाइक बहुत ही सही, बहुत ही लाइट वेट, नॉट एट ऑल स्टिकी, नॉट एट ऑल ग्रीजी. जस्ट सेव इट इन योर विश लिस्ट. अभी के लिए आई वोंट recommend you, but for the future definitely 110%. उसके बाद मैंने एम्प्टी करा था अपना holy grail product. This is the Laneige lip sleeping mask in the berry variant. You guys can see it's completely empty now, and ये मैंने honestly बोलूँ तो मैंने, मेरी मम्मी और भाई, हम तीनों ने मिलके finish करा है, because ये इतना सारा quantity था कि मैं अकेले अगर use करना start करती ना, मुझे 2 महीने और चल जाता, लेकिन finally मैंने इसको खत्म कर लिया है. And this is one lip sleeping mask, lip product, lip care product which I will always recommend you guys. If you've been following me for a long time, you would know my love for this product. मैंने इतने lip balms वगैरह मैं use करती रहती हूँ, but रात को तो मुझे lip sleeping mask चाहिए ही होता है, because you know the next morning I wake up with such nice hydrated plump lips. So this is something which I have already repurchased. मैंने 20 gram वाला ही tub दोबारा से ले लिया है. अगर आप चाहो तो ये भी ले सकते हो, but अगर आपको पहले try करना है तो आप 8 gram वाला tub लेके try करो, अच्छा लगा तो इस पे invest कर लेना. Oh, I also found one more bottle of the Kama Ayurveda's pure rose water. This is a 25 ml छुटकू सा ट्रैवल साइज बॉटल विच आई गॉट फ्री. आई थिंक कोई परचेज के टाइम पे मुझे फ्री मिल गया था. सो ये भी मैंने पूरा खत्म करके रखा है. सो आई हैव लाइक 3 ऑफ दीज नाउ. यू गाइज कैन क्लियरली सी माई लव फॉर द कामा आयुर्वेदा फेशियल मिस्ट. जो अगली चीज मैंने खत्म करी है गाइज वो है ये लॉरियल का एक्स्ट्रॉर्डनरी ऑयल सीरम. इसकी मैं आई थिंक 2-3 बॉटल्स पहले भी खत्म कर चुकी हूँ, एंड ये बॉटल भी आई थिंक मैंने कुछ 2 महीने पहले खत्म कर दी थी. उसके बाद आई स्टार्टेड यूजिंग माई विल्वा एंटी फ्रिज सीरम विच आई एब्सोल्यूटली लव. इट एक्चुअली मेक्स योर हेयर मैनेजेबल, टेम्स डाउन ऑल द फ्लाईअवेज एंड फ्रिजनेस फ्रॉम योर हेयर. ओवरऑल अ ब्यूटिफुल सीरम. इनफैक्ट आई हैव ऑलरेडी रीपर्चेस्ड दिस वन बिकॉज माई मॉम ऑल्सो लाइक्स इट. सो शी वॉज
saying कि उनके लिए मैं ये मंगवा के दूं, एंड कभी कभी उनके में से मैं भी यूज कर लेती हूँ. सो आई विल डेफिनेटली रेकमेंड यू एज वेल. आई हैव अ ट्रैवल साइज एज वेल. अगर आपको ये फुल साइज नहीं लेना है वो ट्रैवल साइज वाला लेके पहले ट्राई कर लो. मेरे साथ यूजली क्या हुआ है अभी 5-6 महीनों में कि यू नो एक शार्जल में यूज करना स्टार्ट करती हूँ, जब वो इतना सा रह जाता है फिर मैं दूसरा यूज करना स्टार्ट कर देती हूँ, वो भी इतना सा रह जाता है फिर मैं तीसरा यूज करना स्टार्ट कर देती हूँ. सो बेसिकली मैं वो खत्म ही नहीं कर पा रही हूँ यार, अभी तक एक ही खत्म हुआ है. सो दिस इज द प्लम बॉडी लविंग शावर जेल इन द वेरियंट हवाईन रूम्बा. आई लव दिस शावर जेल गाइज. आई मीन इफ यू नो मी यू वुड नो द फैक्ट दैट आई एम अ फैन ऑफ प्लम्स हवाईन रूम्बा रेंज. अगर आपको भी ट्रॉपिकल प्लस अ लिटिल बिट फ्रूटी फ्रेग्रेंस पसंद है, जस्ट गो फॉर दिस शावर जेल. यू विल फॉल इन लव विद द फ्रेग्रेंस, स्पेशली समर में तो इट जस्ट फील सो रिफ्रेशिंग. आई विल डेफिनेटली रीपर्चेज दिस इन द फ्यूचर वंस आई फिनिश ऑफ ऑल माई शावर जेल्स, एंड आई विल रिकमेंड यू एज वेल टू ट्राई दिस वन, स्पेशली इन दिस सीजन यू विल लव इट. इट इज सो रिफ्रेशिंग. और सेम रेंज का मेरे पास है ये प्लम बॉडी लविंग EDP हवाईन रूम्बा वेरियंट. लव दिस वन. मैंने पूरा लाइक खत्म कर दिया, एक ही बार का पड़ा होगा वो भी मैं चलो आज लगा के खत्म कर ही देती हूँ. मुझे इतना ज्यादा पसंद है, आई कांट टेल यू, मेरे को बहुत अच्छा लगता है. आई लव द फ्रेग्रेंस. ऑब्वियसली लॉन्ग लास्टिंग है एज कम्पेयर टू द बॉडी मिस्ट. वो लंबे टाइम के लिए नहीं टिकती है, जितने टाइम के लिए ये टिक जाता है. द सेम फ्रेग्रेंस एंड एवरीथिंग, इट जस्ट फील्स सो ब्यूटिफुल. एंड विल आई रीपर्चेज दिस? नॉट राइट नाउ, बिकॉज मेरे बहुत सारे ऐसे बॉडी मिस्ट एंड बॉडी परफ्यूम्स वगैरह पड़े हुए हैं जो मुझे पहले खत्म करना है. पर मैं ये भी सोच रही हूँ कि ट्रैवलिंग के लिए मैं स्टिल इसको रीपर्चेज कर सकती हूँ. लाइक आई हैव एन एक्सक्यूज टू रीपर्चेज दिस. आई डोंट नो ये वाला करूंगी या वनीला वाइब्स वाला करूंगी. आई लव दैट फ्रेग्रेंस एज वेल. ये तो मैं आपको डेफिनेटली 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 रिकमेंड करूंगी. 110% गो फॉर इट. उसके साथ मेरे पास एक और ट्रैवल साइज परफ्यूम है जो मैंने खत्म कर दिया. ये बहुत जल्दी खत्म हो गया था यार, मतलब इसको आप यू नो 8-10 बार लगाओगे खत्म हो जाएगा. दिस इज एरोनॉट्स नवंबर. इट इज अ ग्रेट फ्रेग्रेंस यू गाइज. अभी मुझे इसके फ्रेग्रेंस नोट्स तो याद नहीं है, बट इट हैज a little bit of floral and coffee and vanilla and like a mixture, beautiful mixture of all these notes, and it literally feels like a really nice expensive Zara perfume. This was a new brand which I was trying for the first time, so you know obviously मैं चाहती थी कि छोटा वाला size पहले try कर लूँ, and क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है तो मैं इस perfume को बड़े size में definitely repurchase करूँगी and आपको भी recommend करूँगी. जो अगली चीज़ है guys, this is the one and only makeup product. Like I just feel so ashamed. क्या कर सकते हैं यार, बहुत मेकअप है एंड ऑब्वियसली मुझे रोज अलग अलग मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने का मन करता है, तो एक प्रोडक्ट पे मैं फोकस करके उसको फिनिश नहीं कर पाती हूँ कभी भी. बट मैं फाइनली ये शुगर की आईब्रो पेंसिल फिनिश कर दी है. इट्स लाइक अ रिट्रैक्टेबल पैकेजिंग, इट्स नॉट कमिंग आउट, इट इज कम्प्लीटली एम्प्टी. एंड दिस इज देयर आर्क अराइवल ब्राउ डिफाइनर इन द शेड 02 टॉप टॉम. यस, मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ जब भी इसका नाम लेने की बारी आती है. ये बहुत ज्यादा पिगमेंटेड नहीं है कि मतलब आपके आईब्रोज के एकदम कार्टून जैसे आईब्रोज बना दे. यहाँ पे मेरे लाइक 2 बाल ऐसे कम है ना, तो फिल इन द ब्लैंक्स जो है ना मेरा, मैं उसका ऐसे फिलअप कर लेती थी यूजिंग दिस. प्लस इसका स्पूली भी बहुत सही है. सो जब ये ओवर हो गया था ना, मेरे को लिटरली बहुत दुख हुआ था, बिकॉज ये पहली आईब्रो पेंसिल थी जो मैंने शिद्दत से यूज करी थी एंड फाइनली खत्म कर दी है. और अभी मेरे पास क्योंकि लाइक 3-4 आईब्रो पेंसिल्स पड़े हुए हैं, आई थिंक उससे ज्यादा होंगे, जो मुझे खत्म कर लेनी चाहिए. आई शुड नॉट वेस्ट माई money on more eyebrow pencils. So, अभी के लिए not gonna repurchase. इन द नियर फ्यूचर मे बी, नॉट श्योर, बिकॉज नियर फ्यूचर लग जाएगा मुझको जो मेरे पास आईब्रो पेंसिल्स पड़े उन्हें खत्म करने में. लेकिन मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी गाइज, मतलब बहुत ही सही है. आई हैव 3 फेस क्लेंजर्स विच आई हैव एम्प्टीड. फेस क्लेंजर्स के साथ भी ना मेरा यूजली ये सीन होता है कि थोड़ा सा लाइक यूज करती हूँ, 70-80% खत्म कर देती हूँ प्रोडक्ट, उसके बाद दूसरा यूज करना स्टार्ट कर देती हूँ. तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि एकदम 100% मैंने खत्म किया हो. बट लकीली वी हैव लाइक 3 फेस क्लेंजर्स दिस टाइम. द फर्स्ट वन इज राइस वाटर ब्राइट क्लेंजर. लुक एट द हालत ऑफ द ट्यूब. दिस इज फ्रॉम फेस शॉप. इट इज 150 ml, कम्स फॉर 650 rupees. आई नो एक्सपेंसिव है, लेकिन 2-2.5 महीने आराम से चल जाता है, बिकॉज यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट. इट्स अ फोमिंग क्लेंजर, सो इट फोम्स अप रियली नाइसली, क्लेंजेज योर स्किन सो ब्यूटिफुली. प्लस इट डजंट स्ट्रिप ऑफ द मॉइस्चर फ्रॉम योर स्किन, एंड यू नो इट जस्ट रियली ब्राइटन्स योर स्किन एट द सेम टाइम. एंड मैंने इसको ऑलरेडी रीपर्चेज कर लिया है. आई लव दिस क्लेंजर एंड विल आई रेकमेंड दिस क्लेंजर टू यू डेफिनेटली. अगर आपकी नॉर्मल कॉम्बिनेशन ऑयली स्किन है, आप ये डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो. आई थिंक ड्राई स्किन वाले लोग भी ट्राई कर सकते हैं इन द समर सीजन, नॉट श्योर अबाउट विंटर. द नेक्स्ट क्लेंजर विच आई हैव एम्प्टीड इज अगेन फ्रॉम द फेस शॉप. फेस शॉप इज वन ब्रांड विच आई लव व्हेन इट कम्स टू क्लेंजर्स, यू नो फेशियल क्लेंजर्स. दिस इज देयर जेजू एलो फ्रेश सूदिंग फोम क्लेंजर, एंड दिस इज 150 ml, कम्स फॉर
500 रुपीज, बट अमेजोन पे इस पे आई थिंक 50-100 रुपीज ऑफ चलता ही रहता है. एंड इट्स अगेन अ ब्यूटिफुल क्लेंजर. इफ यू आर लुकिंग फॉर अ सूदिंग क्लेंजर, इफ यू हैव लाइक यू नो एक्ने प्रोन स्किन, नॉर्मल कॉम्बिनेशन, ऑयली स्किन, अगर आपको एकदम ऐसे सूदिंग सा क्लेंजर चाहिए, यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस वन. मतलब माई स्किन लव्ड दिस क्लेंजर, सो आई डेफिनेटली कंसिडर रिपर्चेसिंग दिस इन द फ्यूचर, एंड आई विल रिकमेंड यू गाइज एज वेल. अनदर फेस वॉश दैट आई एम्प्टीड इज फ्रॉम एक्वालॉजिका. दिस इज देयर हाइड्रेट प्लस face wash with coconut water and hyaluronic acid. वैसे तो ये जेल बेस्ड क्लेंजर है एंड आई क्लियरली रिमेम्बर यूजिंग दिस इन जनवरी एंड फेब्रुवरी. विंटर के टाइम पे स्किन कितनी ज्यादा ड्राई एंड फ्लेकी हो जाती है, राइट? लेकिन ये जेल बेस्ड क्लेंजर होने के बाद भी ना इसने स्किन को और ज्यादा ड्राई नहीं बनाया. विंटर में भी दिस मेड श्योर कि मेरे स्किन का मॉइस्चर स्ट्रिप ऑफ ना हो बिकॉज ऑफ द फैक्ट इट हैज कोकोनट वाटर एंड हाइलोरॉनिक एसिड. सो इट्स जस्ट गोना कीप योर स्किन हाइड्रेटेड, नरिश्ड. एंड दिस इज अगेन अ वेरी अफोर्डेबल फेस वॉश, 299 फॉर 100 ml. बट एक्वालॉजिका पे हमेशा यू नो Amazon पे मैंने डिस्काउंट्स देखे हैं, सो डेफिनेटली यू कैन कंसीडर दिस वन. प्लस इट हैज अ रियली नाइस रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस एज वेल. नेक्स्ट अप, मैंने ये छुटकू वाला ना इनिस्ट्री का सुपर वोल्केनिक पोर क्ले मास्क एम्प्टी कर दिया है. नाउ दिस इज अ 20 ml टब. आई नो कि बहुत कम क्वांटिटी थी एंड बहुत जल्दी खत्म होना तो ऑब्वियसली इसका बनता ही था, लेकिन मैं जस्ट आपको यू नो इस वीडियो में बताना चाहती थी कि इसका मेरे पास बड़ा वाला टब ऑलरेडी है. जस्ट डिटॉक्सिफाइज योर स्किन एंड यू नो आपके पोर्स को डीपली क्लेंस करने में बहुत अच्छे से हेल्प करता है. यू नो इट एक्चुअली काइंड ऑफ वर्क्स ऑन योर टेक्सचर एंड प्लस यू नो आपका एक्सेस ऑयल वगैरह कंट्रोल करने में हेल्प करता है. सो आई वुड नॉट रेकमेंड दिस टू ड्राई स्किन पीपल, बट इफ यू हैव लाइक नॉर्मल कॉम्बिनेशन ऑयली स्किन, यू आर गोना लव दिस. अगर अभी मुझे इस में नहीं दिखा तो मैं बड़ा वाला साइज मतलब जार का साइज लिंक कर दूंगी आपके लिए. दिस इज अ ब्यूटिफुल फेस मास्क, माय स्किन लव्स दिस वन. देन आई हैव टू शैम्पूज एंड टू कंडीशनर्स व्हिच आई हैव एम्प्टी. नो अभी 3-4 महीने से ना मैं ये शैम्पूज यूज कर रही थी. दिस इज नायका नेचुरल के शैम्पूज. द फर्स्ट वन इज द आमलाइन करी लीव शैम्पू, द सेकंड वन इज द रीटा एंड चिकाकाई वेरियंट. नाउ इफ आई हैव टू कंपेयर, I like this one more as compared to the Rita and Shikakai. मतलब ये ठीक था, ओके था. I wouldn't recommend this one. मतलब जस्ट मेरे को लगा ठीक है अब है तो खत्म कर लो, तो मैंने कुछ उस तरह से इसको यूज करा है. बट गाइज ये वाला ये बहुत सही है, इसका फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा है. माई हेयर फेल्ट सो नाइस व्हाइल आई वाज यूजिंग दिस शैम्पू एंड दिस इज पैराबेन फ्री, SLS फ्री, क्रुएल्टी फ्री, 100% नेचुरल एक्टिव. ये वाला तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी. विल आई रीपर्चेज दिस वंस आई फिनिश ऑफ ऑल माई शैम्पूज? डेफिनेटली येस. हाउएवर दिस वेरियंट, द रीटा एंड शिकाकाई वेरियंट, आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ दिस. आई डोंट लाइक द फ्रेग्रेंस, आई डोंट लाइक मतलब उतना कुछ ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी सा नहीं है, बहुत नॉर्मल सा शैम्पू लगा मुझको. ये मैं रेकमेंड नहीं करूंगी. प्लस आई वोंट रेकमेंड द नायका नेचुरल्स रीटा एंड शिकाकाई कंडीशनर एज वेल. ये भी ओके था, मैंने तो थोड़ा सा यूज करके छोड़ दिया. ये पूरा मेरी मॉम ने बाकी खत्म करा है बिकॉज उनको ठीक लगा. सो ये भी ठीक था, मतलब उतना कुछ ज्यादा मुझे अच्छा कंडीशनर नहीं लगा. इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन ट्राई द बायोलाश हेयर मास्क, इसको भी आप शैम्पू के बाद लगा सकते हो एज अ कंडीशनर. एंड विद दैट वी हैव कम टू आवर लास्ट प्रोडक्ट. दिस इज द लव ब्यूटी एंड प्लैनेट कोकोनट वाटर एंड मिमोसा फ्लावर कंडीशनर. इसका शैम्पू अभी थोड़ा सा लाइक बचा हुआ है इसलिए मैं वो इंक्लूड नहीं कर रही हूँ इस वीडियो में, बट कंडीशनर इज लाइक ऑलमोस्ट ओवर. यू नो आई होप यू गाइज कैन सी. दिस इज फॉर पीपल हु हैव लाइक thin hair. If you want like bounce and volume in your hair, definitely try this range from Love Beauty and Planet, the shampoo and the conditioner both. Ek subtle si shine and smoothness and bounce aa jata tha, to mujhko ye wala range bahut zyada acha lagta hai Love Beauty and Planet ka. Will I repurchase? I think yes. अभी क्योंकि बहुत सारे हैं तो अभी तो बिल्कुल नहीं, बट फ्यूचर में डेफिनेटली येस. एंड आई विल रेकमेंड यू एज वेल टू ट्राई दिस रेंज इफ यू हैव लाइक थिन हेयर, यू नो. एंड विद दैट आई एम डन विद माय प्रोडक्ट एम्प्टीज. जो रेकमेंड करूंगी सबके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जो रेकमेंड नहीं करूंगी उसके लिंक्स मैं ऑब्वियसली नहीं देने वाली हूँ. एंड या यू कैन गेट दीज प्रोडक्ट्स फ्रॉम Amazon बिकॉज दे आर हैविंग देयर मॉनसून कार्निवल टिल 12th of June. सो डेफिनेटली यू कैन ग्रैब दीज प्रोडक्ट्स एट ग्रेट डील्स. दे आर हैविंग अप टू 60% ऑफ ऑन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. एंड ये था मेरा हाफ प्रोडक्ट एम्प्टीज वीडियो फॉर 2022. इसका सेकंड पार्ट भी मैं डेफिनेटली करूंगी दिसंबर में. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज मेक श्योर यू गिव इट अ बिग थम्स अप. सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस. इन केस यू गाइस वुड लाइक टू कनेक्ट विद मी ऑन माय इंस्टाग्राम, आई विल बी लीविंग माय इंस्टाग्राम प्रोफाइल लिंक फॉर यू गाइज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड यस, मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में. तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड बी काइंड टू योरसेल्फ एंड अदर्स. बाय बाय.